हाय एवरीवन, हेलो। तो देखिए, कल मैं लेकर के आया था स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। आज मैं उसी का फिर है, स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू लेकर के आया हूँ। पार्ट टू में कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि पुराने इस पार्ट में पुराने इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या डिफरेंटेस है। तो ओल्ड इंग्लिश में जो भी आप पढ़े थे और मॉडर्न इंग्लिश वाले में हम पढ़ा रहे। तो मॉडर्न इंग्लिश वाले में कल बताए थे कि कौन सा स्पेलिंग कैसे क्या होता है, और ओल्ड इंग्लिश वाले में बताए थे। तो आज हम क्या करेंगे, उस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव आप थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा, मैं आंसर यदि बता दूँ तो बस बताने के बाद में आप क्या करेंगे, बताने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हर हाल में आपको एक काम करना है कि कम से कम स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए पास में और इसे याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद मतलब ऐसा हो जाएगा कि दिक्कत फिर फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। आप देखिएगा, इससे ज़्यादा इस पार्ट में और कहीं नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। अगर इस पार्ट से प्रश्न किया तो इसमें से ही करेगा, इससे बाहर से नहीं करेगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, देखना है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान दे रहा है एक बार बढ़िया से, मैं एक एक करके सब ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ। ये जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है थोड़ा ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर क्लास 12th क्लास। मैं लिख दिया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट 12th क्लास का स्टार्ट सबसे लिखा है। हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं कल ही बताया हूँ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएट कौन है, जॉन डन, ठीक ना। इसका पोएट कौन है, जॉन डन, ठीक है। ये इसका पोएट था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हु हैज रिटन द पोएम, यानी कि यह कविता किसके माध्यम से लिखा गया था, यह कविता किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन डन, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कल वाली कुछ बात याद कर लीजिए, पिछले वीडियो वाला कुछ बात याद कर लीजिए आप, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पोएट जॉन डन, ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ पोएट जॉन डन, ठीक ना। ये जॉन डन किस प्रकार के मतलब की पोएट थे, तो ये पोएट थे, लिख लीजिएगा एकदम बहुत अच्छे ढंग से। ये जॉन डन तो हो गया होगा, आप लिख लिए होंगे इसका आंसर, आप इसका लिख लीजिए, इसका सटीक आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा मेटाफिजिकल। हम एक अल बात बताए थे पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट हैं जॉन डन, ये क्या है, मेटाफिजिकल पोएट हैं, ठीक है। ये मेटाफिजिकल क्या होता है, ये आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं, धर्म संबंधित, आस्था संबंधित, ये इस प्रकार का ये पोएट है, कौन, जॉन डन, ठीक है। डन इज वेल नोन फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्सेज, मतलब कि यह किस प्रकार के, डन इज वेल नोन, ये जाने जाते हैं किस प्रकार के कविताओं के लिए लेकर के जाने जाते हैं। तो ये कविताएँ हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोशिश करिएगा बिल्कुल लिखने का, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, लिरिकल एंड सैट्रिकल, आप नोट कर लीजिएगा, लिरिकल एंड सैट्रिकल, ये इस प्रकार के मतलब कि कवि के लिए प्रसिद्ध है, कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जॉन डन वाज बॉर्न इन, ये मैं कल बता रहा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो कल हम लाइफ स्पैन के बारे में जिक्र किया था कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, ये थोड़ा सा ऐसे कैथोलिक परिवार में जन्म लिए थे, इन्हें अध्ययन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ कर कहीं कहीं और चले गए थे। तो आप देख लो कि इनका जॉन डन वाज बॉर्न इन, तो इनका एक कब हुए थे, जन्म कब ये, तो 1572 में, और एंड डेड, और मृत्यु कब हुआ था, 1631। इसका मतलब कि कल हमने जो बताया था लाइफ स्पैन, वो लाइफ स्पैन पर फोकस किए होंगे आप लोग, कल जब फोकस किए होंगे तो देख लो, ये तो है 1572 में जन्म, और डेड कब के थे, 1631, ठीक ना। ये पार्ट टू चल रहा है, ये पार्ट टू चल रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, ये पार्ट टू चल रहा है, ये VBI ऑब्जेक्टिव है स्पेशल, आप इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा कहीं पे आप नर्वस ना हो, अगर कहीं पे नर्वस होंगे तो मैं, आप जब
कमेंट करिएगा, जब आप लाइव चैट करिएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई अच्छे अंदाज में दे दूंगा, ठीक है, आपको आंसर दे दिया जाएगा। जॉन डन स्टडीड है, जॉन डन पढ़ा करते थे, तब पढ़ाई कौन कौन क्या किया, क्या क्या पढ़ाई की है, इन्होंने पढ़ाई किया ला का, ला मैंने क्या हम कल पढ़ा रहे थे ना कि अपने अध्ययन में क्या कहते हैं, कानून की पढ़ाई पढ़े हैं और क्या पढ़े थे, थियोलॉजी, क्या पढ़े थे, थियोलॉजी, थोड़ा सा मैं घेर दे रहा हूँ, इन सर्किल कर दे रहा हूँ, थियोलॉजी यानी लाम ने कानून की पढ़ाई की और धर्मशास्त्र के बारे में, धर्म संबंधी भी पढ़ाई किए थे, ठीक है, फिर तुम ध्यान रखिएगा, जॉन डन स्टडी ला, जॉन डन स्टडी ला इन्होंने अध्ययन किया, जॉन डन स्टडी किया, कानून की पढ़ाई की और धर्मशास्त्र के बारे में भी पढ़ाई किए। व्हाट टाइप्स ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव, व्हाट टाइप्स ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं कल ही बात बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि यह जो कविता है लव पोएम है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का है, कल हम इस बात को जिक्र करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव समझो कि आपको सुनते याद आ रहा है, अगर कल पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तब, अगर नहीं देखे तो आप जा करके देख सकते हैं। तो व्हाट टाइप्स ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो यह इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, लव पोएम, यह कैसी कविता थी, लव पोएम थी, ठीक ना, मतलब प्यार भरी ये कविता थी, ठीक है। देखिए इन विच कैटेगरी, थोड़ा ध्यान देंगे, इन विच कैटेगरी ऑफ पोएट कैन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बी कैप्ट, मतलब कि आप इसे किस रूप में, इस कविता को आप किस रूप में रखना चाहेंगे, तो हम कहने का मतलब कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है कविता के नज़र, जो कवि के नज़र है पोएट्री के है, वो पता है किस नज़र में, ये है लिरिक, ये क्या है, संगीतमय है, इसे आप गा सकते हैं, ऐसी कविताओं से मंत्रमुग्ध है। जॉन डन कंपेयर्स, जॉन डन किससे कंपेयर करते हैं, कल मैं कविताओं बता रहा था, जॉन डन कंपेयर्स हिज स्पिरिट एंड डिजायर विद, ये बोलते हैं किसके साथ कंपेयर करते हैं और किसके साथ बताते हैं, तो देख लो इन्होंने कंपेयर किया था कल सूरज के साथ में, कि सूरज जब जाता है, सूरज जब सुबह में निकलता है, शाम को डूबता है, फिर सूरज सुबह में चलाता है, मैं सूरज से पहले तुम्हारे पास चला आऊँगा, पॉइंट कल बता रहे थे अपना अभी अपने मतलब कि फ्रेंड्स को, तो क्या करेंगे हम किससे कंपेयर कर रहे थे, तो आप क्या आंसर सही मारोगे, सन, क्या कहेंगे, सन। कल आप लोगों ने ये भी देखा था, आप लोगों ने इस भी देखा था कि ये मैं बताया था कि कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो हम ये पढ़ाई कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ए ना, इसी में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उम्मीद है कि ये पूरे की पूरे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेना या कॉपी में नोट कर लीजिए, आप कॉपी कलम पेज लेकर के बैठा कीजिए, ताकि जो भी मैं बताऊँ आप उसे आसानी से उतार लेना, या स्क्रीनशॉट लेने के बाद में या बाद में वीडियो रोक करके अभी आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद में आपको सब हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को ख़त्म करने के बाद मैं कविता के दूसरे चैप्टर लेकर चलूँगा कल, लेकिन फिलहाल देखो अभी मैं इसको आज पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा, ये हो जाएगा आज पढ़ाएंगे, इसमें इस पार्ट में कुछ एंटोनिम्स भी है, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, तब तक कि आप देखते रहिए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं कह रहे स्टूडेंट्स, इसमें खाली आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बस, अगर कविता तनी मनी भी समझ में आए तो समझो कि कंप्लीट हो गया ये। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ओपोनेंट है, ओपोनेंट क्या होता है सबसे पहली बात जान लो, ये ओपोनेंट क्या होता है, ओपोनेंट का मतलब हो गया यहाँ पे आपको उल्टा शब्द पढ़ना है, कल साइनोनिम्स पढ़े थे और तनी देखिए आज, और कल ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में भी चर्चा किए थे, तो देख लेते हैं क्या होता है इससे। एक पढ़ेंगे, पहले लिख लो एंटोनिम्स, हेडिंग में आप लिख लो एंटोनिम्स, महानुभव लोग एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, ये विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, हिंदी में भी पूछा जाता है, ठीक है, विलोम शब्द के बारे में भी बात करेंगे, तो सबसे पहले करो लिखना शुरू करो, पहला है स्वीटेस्ट, इसका क्या बिट रेस्ट होता है, चलो लिखते चलना बिल्कुल।
मिनट रेस्ट होता है। नेक्स्ट में है अगला क्वेश्चन, एस्टर नाइट को क्या बोलते हैं हम, टू नाइट। ये नोट करते चलिएगा आप लोग एकदम, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं, नोट करते चलिएगा। फीबल, फीबल का मतलब कमजोरी होता है, फीबल कमजोर, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में करेंगे होप, चलो होप है विश्वास, इसको कर दीजिए आप डिस्पेयर। और एक और होगा, एक दो और है, बिलीफ विश्वास, बिलीफ डिसबिलीव कर दीजिए, डिसबिलीफ ये हो गया। एक और है, एक और लिख लीजिए उसे, वेस्ट WAST। और एक होता है इसका ओपोनेंट होता है ईजफुल। आइए उल्टा शब्द हो गया, आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सारे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी मिलता है, साइनोनिम्स भी मिलता है, बस बसलते आप ये बुक के अनुसार चल रहे हैं। मैं एक ऐसा ट्रिक्स दूंगा, मैं ऐसा टिप्स बताऊंगा कि अच्छे से अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सब मैं सोल्यूशन कर दूंगा। मैं एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का ट्रिक्स बताऊंगा, जबकि बहुत सारे टीचर ऐसे बताते भी हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होता है, लेकिन आप स्पेक्ट्रम क्लास सर्कल से जुड़े रहिए, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है इससे, ठीक है। एक एक के मैं बताऊंगा, देखिए कुछ कॉमन वर्ड के बारे में बात कर लो। कॉमन वर्ड वही वर्ड होता है कैसा, जो मिलता जुलता शब्द दोनों का मतलब एक हो, जिसे हम साइनोनिम्स भी कहते हैं। कल शायद इसमें भी मिलता है जी, कल इसमें भी था, ठीक है। चलो तो कहते हैं पहला लिखो एसाइड। एसाइड को हम क्या बोलते हैं, एसाइड का मतलब क्या होता है, एसाइड का मतलब क्या होता है, तो एसाइड का मतलब होता है अनदर साइड, यानी कि किनारे में, बगल में, या दूसरी ओर हम कह सकते हैं। ये आपके बुक से मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं समझेंगे, मैं आपकी बुक का ही कर रहा हूँ। एंटोनिम्स जिसको हम लिखा हुआ है कॉमन वर्ड, आप थोड़ा देखते रहिएगा। फिर एक डिजायर, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं डिजायर का मतलब क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं ना विश, विश कह दो उसे, कह दो डिजायर, ठीक ना। उसके बाद हम बोलते हैं विंग, विंग, अब विंग मतलब भी देख लो, विंग का क्या हो जाएगा, तो विंग का हो जाएगा बिल्कुल ये ब्रांच, जिसको बोलते हैं ना ब्रांच, वो ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। विंग का क्या हो जाएगा, ब्रांच। उसके बाद में आपको दिया गया है अस्पर, जिसको अस्पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटिव कहते हैं। उसके बाद में आपको मिलेगा फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून का मतलब ऐसा धन होता है, इसका दूसरा शब्द में हम क्या कहते हैं, वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। ये आपको मिला क्या, तीन तीन छः आपको एंटोनिम्स मिला और पाँच आपको हम कह सकते हैं साइनोनिम्स मिला। ये आपको ये कहा जाए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह चैप्टर बिल्कुल अब ख़त्म हो गया, इस चैप्टर से बात कुछ नहीं करें। समरी सब मैं लास्ट में, अभी समरी नहीं पढ़ाऊंगा किसी किसी सब्जेक्ट ना, किसी पार्ट का नहीं, एक भी पार्ट का नहीं, समरी मैं लास्ट में एक एक करके एग्जाम से रिलेटेड एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के ही आप जाओ और इसकी तैयारी करके जाना और आप जाकर के लिख सकते, ऐसे ऐसे मैं समरी बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव और इसके सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी है सारे ऑब्जेक्टिव पहले ये क्लियर करते चलिए, ठीक है। इतना अगर हो जाता है तब मैं आपको मैं सबके सब सब बता दूंगा। ये रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फुल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। इससे इसके बीच में अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।